हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड लेक्चर स्टार्ट होगा, जहां पर आज हम फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, कि लद्दाख के बगैर जो हम इसे कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। नोट्सों के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे आना होगा, जहां पर आप नोट्स जो है रीड कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है फिजियोग्राफिक डिवीजन में, इसके बारे में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के फुट हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेसर हिमालयस के बारे में, ग्रेट हिमालयस के बारे में, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में और लद्दाख प्लेटूज के बारे में हमें पढ़ना है। ये मैप जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। चलिए स्टार्ट करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर जो है एक माउंटेनियस और हिली रीजन है। माउंटेन्स जो है, ये जो माउंटेन्स हैं इनके बीच में जो है वो रिवर्स भी निकलते हैं। कहीं रिवर का सोर्स है माउंटेन्स में, कहीं हिल्स में जो है रिवर का सोर्स मिलेगा। ये रिवर्स जो है अपने साथ जो है ये प्लेन की तरफ आते हैं और अपने साथ जो है वो मटीरियल को इरोड करते हैं और फाइनली जो है नीचे जो है मटीरियल को जो है डिपॉजिट करते रहते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बेडरॉक मटेरियल। ये मटेरियल अपने साथ जो है एलुवियल सॉइल भी लेके आते हैं और एलुवियल सॉइल जो है जमा होते होते जो है वो एलुवियल प्लेन्स जो है बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर फाउंड बाय द इरोडेड बेडरॉक मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अब ये जो डिपॉजिट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के किस किस रिवर से हो रहे हैं, जैसे कि चिनाब रिवर से डिपॉजिट आ रहा है, तवी रिवर से आ रहा है, रावी रिवर से आ रहा है और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो भी है यहाँ से भी जो है डिपॉजिट होती जा रही है। तो ये क्या बनाते हैं, ये एलुवियल प्लेन्स बनाते हैं, एलुवियल प्लेन्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन आपका पहला यहाँ से एमसीक्यूज बनता है आउटर प्लेन से रिलेटेड, कि आउटर जो प्लेन है जम्मू एंड कश्मीर का उसे लोकली हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं और वो किसका पार्ट है। तो एक ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट है जिसे हम लोकली क्या कहते हैं। अब देखिए दो वर्ड्स है बट आप प्रोनाउंसिएशन में भी मैं कुछ गलत करूं बट आप जो है स्पेलिंग याद रखेंगे। एक बाजवत और अंदरवाह जो है इसके इसके दो नाम हैं। आउटर प्लेन जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो लोकली अपनी लैंग्वेज में हम अंदरवाह और बाजवत कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो आउटर प्लेन्स हैं हमारे रावी रिवर से स्टार्ट होते हैं और चिनाब रीजन तक जो है जाते हैं, यानी कि चिनाब रिवर तक। तो डिस्टेंस जो है तकरीबन 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये इसकी लेंथ में जो है वो 110 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर डिपॉजिट क्या हो रहा है, एलुवियल जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और ये एलुवियल जो है वो काफ़ी फर्टाइल रीजन होगा। तो मतलब ये जो रीजन 110 किलोमीटर का जो ये रीजन है इस पर जो है हम एग्रीकल्चर जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल रीजन होगा। अब देखिए ये जो रीजन है ये माउंटेन से जो निकला रीजन ये प्लेन्स इसने बनाई, बट इसी के साथ जो है वो एक और रीजन होगा जिसकी हाइट जो है इन माउंटेन इन हिल रेंजेस से थोड़ी कम होगी, जिसे हम फुट हिल्स कहेंगे, वो भी इसके पैरेलल में बनेगा। फिलहाल जो है ये देख लीजिए, ये जो प्लेन्स है, ये जो आउटर प्लेन्स है, इनका जो आल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, 325 से 350 मीटर्स तक होगा। इनका जो आल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, 325 से 350 जो है वो मीटर्स तक का जो है वो आल्टीट्यूड होगा। अब ये जो प्लेन हमने अभी पढ़े, ये जो जम्मू कश्मीर में जो प्लेन्स है, ये प्लेन्स जो है बिल्कुल एक ग्राउंड की तरह प्लेन नहीं है। इन प्लेन्स में आपको कहीं जो है वो डीप गॉर्ज भी मिलेंगे, कहीं नाले भी मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं द प्लेन इज डाइसेक्टेड बाई ए सीरीज ऑफ डीप एंड शालो रेवीन्स। तो ये जो प्लेन्स है ये जो है बीच में डायसेक्ट किए गए हैं, जगह जगह जो है डायसेक्ट भी है और ये शालो जो है वो रेवीन्स बनाते हैं। शालो रेवीन्स मतलब ये शालो जो है वो नैरोड ऐसे जो है वो बना रहे हैं, नाले से बना रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है फ्लड्स आते रहते हैं जब भी जो मानसून होती है, मानसून में जो है मानसून जब आती है, रेन्स होती है, तो उसके साथ जो है फ्लड वाटर भी आता है और वो फ्लड वाटर इन्हीं जो है वो गॉर्जेस से जो है वो फ्लो होता है और उससे क्या एज अ रिजल्ट क्या होता है, तो ये जो यहाँ की सैंड है से एक्सपोज कर देता है, ग्रेवल्स को एक्सपोज करता है, पेबल्स को एक्सपोज करता है और बोल्डर्स को जो है वो रिवर बेड में जो भी होगा उसे भी जो है वो एक्सपोज करेगा।
रिवर से बेसिकली वो फ्लड वाटर फ्लो करेगा, तो रिवर्स की जो सेंट है उसे भी किनारे कर देगा, ग्रेवल्स को किनारे कर देगा, पेबल्स को और बोल्डर्स को भी जो है वो एक्सपोज कर देगा। अच्छा, ये बोल्डर्स क्या होता है? आप जानते हैं जो प्लेन्स में जो है कुछ रॉक्स जो होते हैं वो दबे होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो दबे होते हैं, ऐसे हमें बज़ाहिर दिखते तो नहीं है, लेकिन जब फ्लड वाटर आता है वो अपने साथ जो है इसकी जो मिट्टी जो है ऊपर की उठा देता है, जो भी इसके डिपॉजिट्स होते हैं, और फाइनली जो है कुछ टाइम के बाद जो है ये एक्सपोज होने लगते हैं, तो वो बड़े बड़े पत्थर जो है उसे हम बोल्डर्स कहेंगे जो ज़मीन में दबे रहते हैं। अच्छा, ये जो रेवीन्स हैं आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे ये रेवीन्स है जब मानसून के वक्त पानी बारिश होती है तभी ये भरते हैं और ज़्यादातर जो है खाली रहते हैं, ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं। इन रेवीन्स को हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो है वो क्या कहते हैं? खाद्स कहते हैं, KHDS खाद्स, MCQs में जो है पूछा जा सकता है। अब ये जो रीजन हमारा आउटर प्लेन का है, ये जम्मू में आपको देखने को मिलेगा, कठुआ को, सांबा, हीरानगर और अखनूर तक, चिनाब तक जो है ये मिलेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन जो है कैसे बन सकता है आपका, आउटर प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नॉन एज। आपने जो ये टर्म पढ़ी, अंदरवा भी पढ़ा, बाजवट भी पढ़ा, अभी आपने खार टर्म भी पढ़ी, बट खार जो है ये क्या है, ये जो होंगे वो रेवीन्स होंगे। तो अब बताइए आपका आंसर क्या होगा, अंदरवा भी होगा, बाजवट भी, मतलब डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होने वाला है। अब हम बात पढ़ेंगे फुट हिल्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया जो है प्लेन्स के वक्त ही दे दिया कि इनका फुट हिल्स जो होगा, इनका आल्टीट्यूड जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, ये भी जो है उसके पैरेलल पैरेलल में ही चलते रहेंगे। तो फुट हिल्स जो होते हैं हिमालय के, उसे जो है शिवालिक भी कहते हैं और आउटर हिल्स भी कहते हैं। द रिलेटिवली लो आउटर मोस्ट हिल ऑफ द हिमालय अलॉन्ग इट्स होल लेंथ फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्रा और नॉन एज शिवालिक्स। यह हमारा इंदस से जो है ब्रह्मपुत्रा जो है वो लेंथ है, लेट सपोज ये इंदस से जो है ब्रह्मपुत्रा की लेंथ है, और यहीं पर जो है इसी के जो है पैरेलल में, इसी लेंथ के जो है इसमें चल रहे हैं ये आउटर मोस्ट जो है वो हिल है हिमालय के, लेकिन जो है इनकी हाइट आल्टीट्यूड देखेंगे वो इनसे लो होगा, तो इसी को हम सिवालिक्स कहते हैं। तो आउटर हिल्स जो है इसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, सिवालिक हिल्स भी कहते हैं और जम्मू हिल्स भी कहते हैं। जो एरिया जम्मू से जा रहा है जम्मू हिल्स कहेंगे, पंजाब में भी आगे जाता है तो उसे पंजाब हिल कहेंगे, बट हम अपने को भी जो है जम्मू कश्मीर तक ही जो है वो रख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ का जीके भी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली पंजाब प्लेन से शुरू होता है, तो इसकी इसका जो अल्टीट्यूड होगा वो प्लेन से ज़्यादा होगा, तो तकरीबन जो जम्मू में है वो 600 मीटर्स का जो अल्टीट्यूड है। अभी जो हम प्लेन्स में पढ़े वहाँ पर हम 350 मैक्सिमम पढ़े, कहीं 360 भी कहीं कहीं बुक्स में, बट हम कह सकते हैं कि 600 मीटर के आसपास रहेगा। अच्छा, इसका स्ट्रेच कहाँ से है? इसका स्ट्रेच जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया इंदर से ब्रह्मपुत्र तक जाएगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे रावी रिवर से जो है ये पूरे झेलम रिवर तक, लास्ट तक झेलम रिवर जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ तक रहेगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और मैक्सिमम विड्थ जो होगी इसकी, जो ये विड्थ होगी, ये विड्थ जो होगी ये 20, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर तक होगी। तो लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 200 किलोमीटर तक। तो ये था फुट हिल्स से रिलेटेड। अब इन्हीं फुट हिल्स में ये जो फिट हिल्स है ये जो है कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, ये इस तरीके के रहेंगे। इनका जो स्लोप होगा इसको अनडुलेटिंग स्लोप कहते हैं, ये जो स्लोप होता है ना इस तरीके का स्लोप, इसको अनडुलेटिंग स्लोप कहते हैं। ये एडजेसेंट एडजेसेंट होगा प्लेन्स के, प्लेन्स जो है उन्हीं के जो है एडजेसेंट ये भी चलता रहेगा। क्या एलिवेशन होगा, 300 मीटर का एलिवेशन होगा चिनाब रिवर और रावी रिवर के बीच में। इसे लोकली जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, कंडी कहते हैं, आपने सुना होगा कंडी बेल्ट भी कहा जाता है। अनडुलेटिंग स्लोप एडजेसेंट टू द प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 300 मीटर बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर, उसे हम क्या कहेंगे, कंडी कहेंगे। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। कांडी लैंड जो है ये करेक्टराइज्ड है बाय न्यूमरस टोरेंट्स, हिली सॉइल एंड स्केयरसिटी ऑफ द वाटर। पानी की यहाँ पर कमी रहती है, जब बारिशें अच्छी होती है तो पानी भी यहाँ पर मिलेगा। तो जो है ये जो है वो मूनसून पे जो है वो डिपेंड करता है, रेन पे डिपेंड करता है।
अच्छा, जब रेन पे डिपेंड करता है और यहाँ पर स्लोप भी है, तो अपने साथ जो है ये सॉइल इरोजन भी करेगा। जब भी रेन होगी, यहाँ का जो एग्रीकल्चर रेन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, वो लैंड पे डिपेंड करेगा ये जो रीजन है। तो रेट जो है होगा वो सॉइल इरोजन का ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो सॉइल इरोजन भी जो है वो रेनी सीजन में ज़्यादा होता है इस एरिया में। अच्छा, बसोली से जो है, बसोली जो है वो ईस्ट में है और पूंछ जो होगा वेस्ट में होगा। जो शिवालिक हिल्स है ये ब्रोकन है बिल्कुल, जो है शिवालिक हिल्स जो है पूरी वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं चल रही है, बल्कि ये ब्रोकन है। और कुछ जो है ये छोटी छोटी वैलीज बनाती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। उन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम डूंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डूंस कहते हैं। बसोली और पूंछ के बीच में कुछ ये वैलीज बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डूंस कहते हैं। अच्छा, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन डूंस की। जैसे कि उधमपुर है, सुंदरबनी रजौरी में है, बसोली है, रामकोट है, दांसल है। ये टिपिकल एग्जाम्पल है इन डून्स की। आप पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है? अनडुलेटिंग स्लोप बिटवीन द रावी एंड चेराब रिवर इज। तो बताइए, अनडुलेटिंग स्लोप जो है बिटवीन द रावी एंड चिनाब रिवर इज। अभी मैंने आपको पढ़ा है, पहली ही लाइन थी कि अनडुलेटिंग स्लोप जो है उसे हम क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? कांडी होगा। देखिए, ऑप्शन में मैंने डूंस भी दिया था, अंदरवा भी दिया था, बाजवट भी दिया था, क्योंकि चारों टर्म्स अभी हम पढ़ चुके हैं, तो ये कन्फ्यूजन जो है हो सकती है। अब मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लिया, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो भी बनती है। अभी मैंने आपको बताया यह हमारे बसोली से जो है पुंछ के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी बनाती है। उन वैलीज को हम डूंस कहते हैं, जिनकी एग्जाम्पल हमने देख ली कौन कौन सी थी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा, फुटहिल्स जो है हिमालय का, उसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है वो जम्मू में तो हमने देखी 600 मीटर है मैक्सिमम, लेकिन जो है ओवरऑल हाइट जो है इसकी 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। प्लेन की जो है 350 तक थी, ये उससे कितनी ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेसर हिमालय के बारे में। लेसर हिमालय विद जो है ये जम्मू कश्मीर के ही रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। लेसर हिमालय, दूसरे नाम भी इसके याद रखेंगे, लोअर हिमालय भी कहेंगे आप, मिडिल हिमालय भी कहते हैं। जो मिडिल हिमालय है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कहाँ किसके बीच में लाई करता है? रावी इन द ईस्ट और पुंछ के बीच में। रावी रिवर से रिलेटेड से लेकर पुंछ तक जो है वो ईस्ट और वेस्ट जो है इसका यहाँ तक है, और आगे जो है अप टू मुजफ्फराबाद जो है ये चला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, एक तो पीर पंचाल रेंज है, धौलाधार रेंज है। अब पीर पंचाल रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो है वो पढ़नी पड़ती है आपको, इंपॉर्टेंट पासेज जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। वो आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर्स लेंगे हम, उसमें हम जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स पढ़िए, वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल होंगे। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो है इसमें मिलेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी जो है वो उसमें नहीं होगी, जो है सफिशेंट मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। तो ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये किसका जो है वो पार्ट रहता है? ये लेसर हिमालय का जो है वो पार्ट रहता है। किसका? लेसर हिमालय का पार्ट रहेगा। अब जम्मू रीजन में ये जो है लेसर हिमालय, या हमारे जो मिडिल हिमालय है, या जो हमारे माउंटेन्स हैं, इनको जो है अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इनको जो है पहाड़ कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। अच्छा, एवरेज जो एलिवेशन की बात करेंगे वो कितना होगा इसका? 3600 से 4600 मीटर तक होगा एलिवेशन। हमने अपने जो है वो प्लेन्स की भी देख ली, फुटहिल्स की भी देख ली, अब लेसर हिमालय भी एलिवेशन मैंने आपको बता दी कि ये 4600 मैक्सिमम रहेगा। विड्थ की बात करते हैं तो 60 मीटर तक इसकी विड्थ होगी, रजौरी के आसपास जो है इसकी इतनी विड्थ है। इसका जो एक्सटेंशन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, और मैंने आपको ये भी बता दिया ईस्ट जो है वो ईस्ट में जो होगा वो रावी होगा, रावी से रिलेटेड, और वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पुंछ, ठीक है, और आगे जो है मुजफ्फराबाद तक कंटिन्यू है। अब हम ग्रेट हिमालय की बात करेंगे। ग्रेट हिमालय जिसे जो है इनर हिमालय भी कहते हैं। अभी हम लेसर हिमालय में पीर पंचाल और धौलाधर रेंज पढ़े, बट अब हम इनके अगर नॉर्थ में जाते हैं, पीर पंचाल के और धौलाधर के नॉर्थ में अगर हम जाते हैं, तो आप देखेंगे और बड़े बड़े पहाड़ जो है आपको मिलेंगे, ठीक
ठीक है, मोर लॉफ्टी माउंटेन्स रेंजेस। लॉफ्टी क्या है, मतलब बड़े बड़े और पहाड़ जो है वो मिलेंगे यहाँ पर, शानदार पहाड़ मिलेंगे। ऑफ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द हिमालय राइजिंग अबोव द स्नो लाइन इन टू द पीक्स ऑफ द परपेचुअल स्नो इन द नॉर्थ। नॉर्थ में अगर देखेंगे, कश्मीर रेंज इज एन ऑफ शूट ऑफ द जास्कर रेंज विच फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द वैली ऑफ द कश्मीर। तो जास्कर रेंज क्या बनाती है, ये कश्मीर वैली का जो है नॉर्थ ईस्टर्न वो बॉर्डर जो है वो बनाती है, जास्कर रेंज। अब यहाँ का जो एलिवेशन होगा वो इनसे ज़्यादा होगा ग्रेट हिमालय में। तो इन जास्कर रेंज देयर आर फ्यू पीक्स विच हैव द हाइस्ट हाइट्स बिटवीन 4500 से 6100 मीटर तक अबव द सी लेवल। तो जास्कर रेंज में जो है जो पीक्स मिलेगी उनकी हाइट जो है वो लेसर हिमालय वाली हाइट जो है पीर पंजाल धौलाधर उनसे भी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर तो हमने पढ़ ली मैक्सिमम 4500 4600 तक, लेकिन यहाँ पर 6100 तक जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। अब आगे जो है वो ग्रेट हिमालय का ही अगला पार्ट है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम जास्कर से भी आगे चलते हैं कारोक्रम की तरफ, तो आल्टीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो जो रेंजेस है वो पहले इतनी है, फिर बड़ी होती जा रही है, फिर और बड़ी होती जा रही है, फिर रेंजेस हमारी बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही है। और यहीं पर हमको एक रेंज मिलती है K2 रेंज, जिसकी जो है वो हाइट कितनी है, 8621 जो है वो हाइट है। और ये सेकंड हाइस्ट पीक है वर्ल्ड की। क्या है ये, सेकंड हाइस्ट पीक जो है वो वर्ल्ड की है। पहली आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के बाद जो रहती है वो K2, जिसका नाम गॉडविन एस्टिन भी है। अब अगली जो है उसी से हम आगे चलते हैं K2 के बाद। उसके बाद जो है फिर से जो है वो हाइट कम होने लगती है। जैसे हम गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ जाते हैं, तो ये जो अभी हमारी हाइट बढ़ रही थी, अब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब जाएंगे, यहाँ की तरफ मतलब नॉर्थ ये होगा, ये आपका वेस्ट होगा, तो जो है फिर से हाइट जो है थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। और एक नंगा पर्वत जो है वो है एक और पीक, जिसे जो है वो दियामीर भी कहा जाता है, इसकी 8120 जो है वो हाइट है। तो ये भी जो है वो उसकी भी हाइट याद रख लेना। पहले तो हमने K2 याद रख ली, K2 के बाद नंगा पर्वत। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था VLW का जो एग्जामिनेशन था, कि जम्मू कश्मीर की हाइस्ट पीक कौन सी है। जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे वहाँ पर तो ये पढ़ेंगे, बट एक कन्फ्यूजन थी वहाँ पर, क्योंकि नंगा पर्वत को बच्चों ने मार्क किया था। लेकिन हम ये जानते हैं जो अभी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जम्मू कश्मीर की है, नंगा पर्वत उसमें नहीं है। ये जो है वो जो है ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड में जो है उस पार्ट में आती है। तो वहाँ पर जो है यहाँ वाले भी ऑप्शन दिए थे, जैसे नून को दिया था या बाकी दिया था, तो जो ऑलरेडी पढ़े थे हमसे इन्हीं नोट्सों से पहले भी, तो वो कन्फ्यूजन तो उनकी ठीक हुई होगी। किसी किसी को जो है किसी ने कुछ मार्क किया था, या फिलहाल चले वो कन्फ्यूजन रहती है ऐसी, अब नहीं रहेगी। अब जो है एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालय जो है उसकी बताइए कितनी है। मैंने आपको जो है प्लेन्स की भी मैंने आपको एवरेज हाइट बता दी, फिर हमने फुट हिल्स पढ़ा, फुट हिल्स की भी हमने पढ़ी, फिर हम लेसर हिमालयस की पढ़े उसकी भी पढ़ी, अब जो है ये ग्रेटर हिमालयस की जो है वो भी अभी हम पढ़ी। अभी हमने कितनी पढ़ी, 4500 से 6100। अच्छा, प्लेन्स की हमने अप टू 350 पढ़ी, फिर हमने फुट हिल्स की पढ़ी जो है ये कितनी पढ़ी हमने, तकरीबन 1500 तक पढ़ी। फिर लेसर हिमालय की हमने 4600 तक पढ़ी, और इसकी हम कितनी पढ़ी, 6100। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर वैष्णो देवी केव से रिलेटेड। आप जानते हैं वैष्णो देवी केव जो है फेमस है बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में भी, जगह जगह से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। ये किस जोन में जो है वो जम्मू कश्मीर के लाई करती है, तो ये किस जोन में करती है, लेसर हिमालय के जोन में जो है वो लाई करेगी। ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं रहेगा, ये लेसर हिमालय का जो है वो पार्ट रहेगा। अब क्वेश्चन बन सकता है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। मैंने ग्रेटर हिमालय की तो आपको बता दी, अभी हाईएस्ट बता दी मैंने, अब ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है लेसर हिमालय की वो कितनी है, वो कौन सी है, पीर पंजाल। जब हम माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे वहां पर इसकी हाइट, इसकी लेंथ, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे कि कहाँ से ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है। अब हम बात करते हैं वैली ऑफ कश्मीर की। वैली ऑफ कश्मीर जो है चारों तरफ से जो है ये माउंटेन रेंजेस से जो घिरी हुई है, और बीच में जो है एक वैली है। ठीक है,
ये वैली है, और यहाँ पर जो है चारों तरफ से जो है वो छोटे बड़े पहाड़ जो है वो मिलेंगे आपको, ठीक है। द सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस जो है उनकी जो हाइट जो है वो कितनी है, 5,000 के आसपास जो उनकी हाइट है नॉर्थ ईस्ट में। यह नॉर्थ ईस्ट में जो इन हाइट है वो कितनी है, ये है 5,000 के आसपास जो है उनकी हाइट है। अब वैली से जो है निकलने के लिए जो रास्ता है वो कौन सा है, हमारा बनिहाल पास है, जहाँ पर कौन सा टनल है, जौहला टनल है जो कि एग्जिट देता है वैली को। तो वहाँ पर जो मेन जो है, फिलहाल इतना ही याद रखिए, वो अलग पढ़ेंगे आगे ये सारी ये चीज़ें। द ओनली आउटलेट फॉर द रिवर्स इज, आउटलेट की अगर हम बात करेंगे तो आउटलेट कौन सा है, वो बारामूला गॉर्ज जो होगा इसका आउटलेट होगा। कश्मीर वैली इज डिस्टिंक्टली बेसिन शेप्ड एंड डेट इट हैज ए लेंथ ऑफ अबाउट 140 किलोमीटर। तो लेंथ कितनी है कश्मीर वैली की, 140 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, यानी कि 84 माइल्स। और विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो 53 से 55 जो है एवरेज मान के चलिए, इतनी इसकी जो है विड्थ है। लोवेस्ट पॉइंट अगर वैली का देखेंगे उसकी एलिवेशन तकरीबन 1600 मीटर है लोवेस्ट पॉइंट की, और मीन एलिवेशन अगर निकालते हैं तो 1840 है। तो ये डाटा जो वैसे कोई पूछता नहीं है। ओवल शेप्ड वैली है कश्मीर, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो तो वो यही है कि इसमें भी एलुवियल जो है वो डिपॉजिट है, वो सारी चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डिपॉजिट्स जो है यहाँ पर हैं वो कौन से हैं, वो करीवास के डिपॉजिट हैं, जिसकी वजह से लैंड भी जो है काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ पर हम राइस उगाते हैं इस करीवास में, सेफ्रॉन की जो है वो कल्टीवेशन जो है की जाती है। अब इसके अलावा जो है वैली ऑफ कश्मीर के अलावा भी कश्मीर वैली में ही जो है तीन और इम्पॉर्टेंट वैलीज हैं, जिनमें लेडर वैली आती है, सिंध वैली आती है और लोलाब वैली आती है। लेडर वैली जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आप देख सकते हैं। लेडर वैली ये अनंतनाग से शुरू होती है और पहलगाम तक ही है लेडर वैली, इसमें दक्षिणपुरा एंड खौरपुरा भी जो है वो इंक्लूड है। फिर सिंध वैली जो है काफ़ी ब्यूटीफुल वैली है, दरियाई सिंध के आसपास जो है बहती है, ये उसके आसपास है लोकेटेड। इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ द कश्मीर, इट ओर्स इट्स नेम टू द रिवर सिंध हर विच इज़ फेड बाय द ग्लेशियर स्ट्रीम। तो ये कहाँ से, गांदरबल से लेकर जो है जोजीला पास तक जो है ये हमारी सिंध वैली होगी। फिर हमारी नेक्स्ट जो आती है वो लोलाब वैली है। लोलाब वैली जो है काफ़ी फर्टाइल जो है वो वैली है, ओवल शेप की वैली है, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ कश्मीर। दिस वैली इज कवर्ड बाय द थिक फॉरेस्ट ऑफ द देवदार, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर एप्पल, चेरी, पीच एंड वॉलनट के लिए जो है वो फेमस है। फिर लद्दाख प्लेटू आता है, इज वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट इनहेबिटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स शॉर्ट बट वार्म समर एनेबल अ फ्यू ग्रेन एंड फ्रूट क्रॉप्स टू राइपन। यहाँ पर जो है बेयर माउंटेन्स मिलेंगे आपको लद्दाख में। तो लद्दाख का जो है कुछ उतना इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, माउंटेन रेंजेस यहाँ के पूछे जाएंगे, यहाँ की क्रॉप्स वगैरह वो अलग से पूछी जाती है। तो वो आगे आगे हम चलेंगे तो वो चीज़ें हम करेंगे, जैसे अभी मैंने माउंटेन रेंजेस पढ़नी है तो खासकर जो है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता, ठीक है, जितना सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप डिटेल में चीज़ें पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पर आइए, कंप्लीट आर्टिकल्स पढ़िए वेबसाइट पे, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी अपलोड होते हैं, और बाकी भी आपकी जो एग्जामिनेशन की नीड्स होगी वो इसी पे जो है कंप्लीट की जाएगी। आप हमारे जो है वो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, और व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप अपडेटेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।